हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स, लोगों को 90 सेकेंड में प्रभावित करें, इस बुक को लिखा है निकोलस बूथमैन ने। कभी कभी हम लोग काफ़ी सारे प्रश्नों से जूझते हैं, क्यों मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, क्यों मुझे उनसे जुड़ने में परेशानी होती है, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मैं सीख सकता हूँ जिससे लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते रहते हैं और सही जवाब हमें कहीं नहीं मिल पाता, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे और समझेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। ऐसी ही एक किताब है जो हमें खुद से जुड़ना सिखाती है और उसके बाद खुद में किस तरीके के सुधार किए जाएं जो इन प्रश्नों के उत्तर हम पा सकें, लोगों से आसानी से जुड़ सकें, लोगों को इम्प्रेस कर सकें। ईमानदारी से इम्प्रेस करने के बाद अपने जीवन में उन बनाए हुए रिश्तों से कुछ ना कुछ लाभ भी उठा सकें। इसी पर बेस्ड यह किताब है इंट्रोडक्शन। शुरुआत के 90 सेकंड इम्पोर्टेंट है। यह किताब किसी बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बल्कि यह किताब तो इस बारे में है कि आप 90 सेकंड में या इससे कम समय में अपने आसपास के लोगों, चाहे वो कस्टमर हो, बिजनेस रिलेशनशिप्स हो, स्ट्रेंजर्स हो, उनसे जुड़कर कैसे अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। किसी भी मुलाकात के पहले 90 सेकंड सिर्फ अच्छी पहली छाप छोड़ने का अवसर ही नहीं होते, बल्कि आप उस व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। उस समय हमारा दिमाग और शरीर यह तय करता है कि हमें दौड़ना है, लड़ना है या बातचीत करनी है। इसी समय यह निर्धारित हो जाता है कि हम सामने वाले के मित्र बन जाएंगे या शत्रु। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि उन पहले चंद पलों में किस तरह के डिसीजंस लिए जाने चाहिए। दूसरों के साथ जुड़ने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाते हैं। मैंने लोगों को बेहतरीन दिखाने में 25 साल लगाए हैं। मैं एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर था। इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कैमरे के सामने लोगों को कैसे उनके बेस्ट पोजीशन में लाया जाए, उनके बेस्ट फॉर्म में दिखाया जाए और ऐसा महसूस कराया जाए कि मानो सारी जिंदगी वो कॉन्फिडेंस से भरे रहे हों, ये सब मैंने देखा है। अपने चेहरे, शरीर, नजरिए और आवाज का यूज करके 90 या उससे भी कम सेकंड में आप कैसे एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं, कैसे इस संदेश को पहुंचा सकते हैं। जो लोग खुले होते हैं और दूसरों के साथ आसानी से और जल्दी जुड़ सकते हैं, वो फलते फूलते हैं, और जो लोग अपने आप को रिजर्व्ड यानी बंद रखते हैं, वे खुशकिस्मती के काफी सारे अवसर चूक जाते हैं। कुछ लोगों में दूसरों के साथ कंफर्टेबल अंदाज में तुरंत रिलेशन बनाने की कुदरती योग्यता होती है। निजी जिंदगी में आपके पास अपने फ्रेंड्स को चूज करने का अवसर होता है, लेकिन ऑफिस में अपने कलीग्स को या सड़क पर चलते हुए किसी पर्सन को चुनने का बिल्कुल भी अवसर नहीं होता। आपको रिलेशंस बनाने ही पड़ती हैं और बनाने के साथ साथ उनको कायम भी रखना पड़ता है। यहाँ आप हर चीज सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए उन लोगों के साथ कैसे जुड़े जिनके साथ जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। पार्ट वन, बुनियादी बातें। ह्यूमन एक दूसरे के साथ रहने के लिए मोटिवेट होती हैं। इसके अलावा हम जीवन में सुरक्षित रहने, ग्रोथ करने, बिजनेस करने और लोगों का दिल जीतने के लिए भी मोटिवेट होते हैं। लोगों से जुड़ना और अपने विचारों को व्यक्त कर पाना, यह योग्यता कुछ सरल बुनियादी बातों पर डिपेंड करती है। मल्दून के नियम। कोई असफलता नहीं है, सिर्फ फीडबैक है। मल्दून इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बिकने वाली साप्ताहिक पत्रिका विमेन के एडवर्टाइजिंग मैनेजर थे। मल्दून एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो लोगों के बीच में इतने ज्यादा फेमस थे जिन्हें आप सामाजिक प्रतिभा का धनी कह सकती हैं। मल्दून की प्रतिभा का राज था मल्दून के अटल सिद्धांत। दरअसल हम किसी नए व्यक्ति से मिलने से पहले 2 सेकंड में यह तय कर लेते हैं हम उस पर कैसा रिएक्शन देंगे। इस बारे में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इतने ही कम समय में सामने वाला भी आपके लिए तैयार हो जाएगा कि वो आपको कैसा रिएक्शन देगा। मल्दून की ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, जब लोग आपको पसंद करते हैं तो वे आपके सबसे अच्छे पहलुओं को देखते हैं, परंतु जब वे आपको पसंद नहीं करते तो उनमें सबसे बुरे पहलुओं को देखने की आदत होती है। यह सब इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाले की इमेजिनेशन में आपका इम्प्रेशन कैसा है, आपकी इमेज कैसी है। अगर आप सामने वाले की इमेजिनेशन को पकड़ लेंगे तो आप उनके दिल में उतर जाएंगे। इमेजिनेशन हमारी इमोशंस को जगाती हैं। हमारे इमोशंस हमारे नजरिए को बनाते हैं और नजरिया व्यवहार में उतर जाता है। नजरें मिलाना दूसरों के साथ जुड़ने का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावकारी तरीका है। मल्दून का पहला नियम है, आप जब भी किसी से मिलें, नजरें मिलाएं और मुस्कुराएं। और उनका दूसरा नियम है, जब आप यह महसूस कराना चाहते हैं कि वे आपको पहले से जानते हैं तो गिरगिट बन जाएं। और मल्दून का तीसरा नियम है, अगर आप किसी की इमेजिनेशन को पकड़ लेंगे तो आप उनके दिल में भी उतर जाएंगे। दिन भर में आप कितने ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें आपकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं। ऐसे कई लोग होते हैं।
ये दरअसल दर्जनों खोए हुए लोग हैं। ग्राहक, सहकर्मी, रिसेप्शनिस्ट, कैब ड्राइवर, ये वो लोग हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे प्रभावशाली तरीका होगा कि आप उनसे नजरें मिलाएं और मुस्कुराएं। इससे ये पता चलता है कि आप ईमानदार हैं, उनमें रुचि लेते हैं। आपका संदेश वहाँ जाता है जहाँ आपकी आवाज जाती है, और आपकी आवाज वहाँ जाती है जहाँ आपकी आंखें इसे भेजना चाहती है। जब आप किसी से मिलते हैं और वह आपसे आंखें नहीं मिलाता, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब वे ऐसा करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जब आप किसी से बात करते हैं और उनकी आंखें किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर लगी हुई हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? आंखों ही आंखों में बात करने का जेस्चर एक प्रभावशाली तरीका है। आंखें आत्मा की खिड़कियां होती हैं, लेकिन वे बिक्री की खिड़कियां भी होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंखों का संपर्क यह संदेश भेजता है कि यहाँ विश्वास है। जब हम जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आंखें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब दे देती हैं। जब सिर उठा हुआ हो और आंखें हैरानी की तरह खुली हुई हो, तो इससे पता लगता है कि सामने वाला हमारी बातों पर विश्वास करने में देर लगा रहा है। वहीं अगर आंखें सिकड़ी हुई हो और चेहरे पर मुस्कान हो, तो इससे पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों में आनंद उठा रहा है। इसके लिए एक अभ्यास किया जा सकता है। एक दिन आप जिस भी व्यक्ति से मिलें, उसकी आंख के रंग पर गौर करें। आपको रंग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही। इससे ज़रा आसान कुछ नहीं है, लेकिन यह छोटा सा अभ्यास आपके आत्मविश्वास, आंखों के संपर्क और तालमेल की योग्यताओं को बढ़ा देगा। आंखें मिलाना ही एकमात्र सामाजिक संकेत नहीं है। अपने चेहरे को सबसे अच्छा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराना। मुस्कुराओगे तो सारा संसार तुम्हारे साथ मुस्कुराएगा। मुस्कुराओगे तो तुम एक तरह से यह ऐलान करोगे, मैं मिलनसार हूँ, मैं खुश हूँ और मैं आत्मविश्वासी हूँ। मुस्कुराना कैसे है? अपने चेहरे को आईने के सामने लगभग 10 इंच दूर रखें, सीधे अपनी आंखों में देखें और ग्रेट शब्द बोलें। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो कि आप ग्रेट हैं, और आप इस तरह के शब्द बोलते रहें, लास्ट में आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अगली बार किसी से मिलें तो अपने मन में 3 बार ग्रेट कहें और मुस्कुराना शुरू कर दें। क्या आप जानते हैं, जब लोगों में अच्छी पटरी बैठती है तो वे कैसा व्यवहार करते हैं? वे एक दूसरे जैसे बन जाते हैं, वे एक जैसे अंदाज में बैठते हैं, एक जैसे लहजे में बात करते हैं। अगर कोई एक तनाव दिखाता है तो दूसरा भी दिखाता है, एक तनाव रहित होता है तो दूसरा भी हो जाता है। अवसर के हिसाब से अपने व्यवहार, नजरिए और अभिव्यक्तियों को बदल लेना ताकि यह एक जैसा हो जाए, यह व्यवहार गिरगिट जैसा व्यवहार कहलाता है। हम यह बात जानते हैं सामने वाले की तरह कैसे बनना है। हम जानते हैं गिरगिट कैसे बनना है, क्योंकि हम जिंदगी भर ऐसा ही करते रहते हैं। हम नकल करके सीखते हैं। अगर मैं आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूं, तो यह ह्यूमन नेचर है कि आप भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे। अगर मैं गुड मॉर्निंग कहूंगा तो आप भी मुझे गुड मॉर्निंग कहेंगे। जब हम किसी को अपने किसी काम की नकल करते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। जब हम किसी को अपनी बात दोहराते हुए सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सीख गए हैं जो हम सिखाना चाहते थे। नकल से ऐसा महसूस होता है मानो हम एक ही थान के हैं और उसी समूह का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति हमारी तरह कोई काम करता है, कपड़े पहनता है या हमारी तरह बात करता है, तो हमारा दिमाग हमें बता देता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसा ही है। आज उन्हीं लोगों के प्रगति करने की सबसे ज्यादा संभावना है जो अपनी कंपनी और बिजनेस जैसे सेम लोगों को जानते और समझते हैं। इन लोगों के बहुत ज्यादा नेटवर्क बन जाते हैं। वे लोगों से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि वो जरूरी बन जाते हैं। इन लोगों को तरक्की भी मिलती है। तरक्की सिर्फ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी मिलती है क्योंकि उनके काम को उनके जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं। जब लोग आपसे निगाह मिलाते हैं तो आप फीडबैक और जुड़ाव महसूस करते हैं। जो लोग ठीक आपके जैसे होते हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल और रिस्पेक्टफुल महसूस करते हैं बिना किसी शक के। कल्पना भावनाओं की कुंजी है। इमेजिनेशन ही वो जगह है जहाँ हम में से ज्यादातर लोग रहते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। देर सवेर हर व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है आप दूसरे लोगों से जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपकी मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। केवल 6 तरीके हैं जिनसे आप लोगों से कुछ करवा सकते हैं। कानून से, पैसे से, इमोशंस से, शारीरिक सौंदर्य के आकर्षण से या दूसरों को राजी करने से। इन सब में राजी करने वाला तरीका सबसे अच्छा होता है। राजी करना सबसे पावरफुल है और सस्ता भी है। अगर आप अपने पहले इम्प्रेशन को खराब कर देते हैं तो आप राजी करने का मौका गंवा देते हैं। फिर आपको किसी और तरीके का इस्तेमाल करना होगा। राजी भी आप तभी कर सकते हैं जब आप सामने वाले के मन में 3 बातें जगा दें।
पहला विश्वास, दूसरा लॉजिक और तीसरे इमोशंस। लोगों को आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको समझदारी भरी बात कहनी चाहिए और आपको उन्हें प्रेरित करना चाहिए। आप कोशिश करते रहें और फीडबैक लेते रहें, और तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपको आपके प्रश्न का जवाब न मिल जाए। कोई फूड रेस्टोरेंट इतना फेमस क्यों हो जाता है कि वो लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए राजी कर लेता है? क्योंकि वो लोगों को वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। एक बार जब वो आपकी कल्पना को जकड़ लेते हैं तो आपके दिल में उतर जाते हैं। वो आपको दबाव नहीं देते या धमकी नहीं देते, बल्कि आपको राजी करते हैं। वो किसी को वहाँ खाने के लिए मजबूर भी नहीं करते। आपको अपनी जिंदगी में KFC इस रूल को अपना लेना चाहिए। के मतलब नो, नो यानी कि आप वो जाने जो आप करना चाहते हैं। F means find, find means पता लगाएं कि आपको क्या मिल रहा है। और C means change, चेंज करें जो आप कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज मिल जाए जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं आप क्या चाहते हैं? उन 3 छोटी चीजों पर गौर करें जिन्हें आप ऑफिस में पसंद नहीं करते या नहीं चाहते कि वो चीजें हों। यदि दूसरे लोगों की बात सुनने से आपको बाधा होती है तो हेडसेट लगा लें। काम ना बने तो इस बात को क्लियरली बता दें कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती है और सॉल्यूशन निकालें। यदि इससे भी काम ना बने तो अपने बॉस को बताएं कि आप किसी शांत माहौल में ज्यादा अच्छा काम करेंगे। इस तरह से आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। पार्ट 2, नए नियम, मानव स्वभाव के साथ जुड़ना। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मैं जिस पल उससे मिला उसी पल से उसे पसंद करने लगा। लेकिन यह सब कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह इंसान के दिमाग का एक आम हिस्सा है। जब पसंद नापसंद के फिल्टर एक बार तय हो जाते हैं तो इसके बाद हर चीज मुलाकात के शुरुआती पलों से इफेक्ट होती है। अगर मैं आपको पसंद करता हूं तो मैं आपके अच्छे पहलुओं को देखूंगा और मेरी नज़र में आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपको पसंद नहीं करता तो फिर आपकी कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकती। हम लोगों को इवैल्यूएशन करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम चाहें तो उनके इवैल्यूएशन को अपने पक्ष में ज़रूर कर सकते हैं। किस प्रकार से आप सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल, सेफ और ट्रस्टवर्दी फील करवा सकते हैं? लड़ो या भागो, इस रिएक्शन को कैसे ख़त्म करें? लोग जब भी पहली बार मिलते हैं तो शुरुआती पलों में कुछ पहले से बुनी हुई रिएक्शंस हावी रहते हैं। मन सोचता है मैं इस व्यक्ति के साथ सेफ महसूस करता हूँ या नहीं करता हूँ। ऐसा हमारे साथ होता ही है। मन में बहुत सारे असुरक्षित विचार चलते रहते हैं और उन्हीं के बेस पर रिएक्शन होता है। लेकिन तसल्ली रखें, आप दूसरों में तुरंत जागने वाली इस रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं। लोग उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो स्वस्थ दिखते हैं, एनर्जी से भरपूर दिखते हैं। लोग कमरे में ऊर्जा प्रवाहित करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो उनके डेवलपमेंट में कोई योगदान देगा, ऐसे व्यक्तियों को नहीं जो उनसे कुछ लेने आया हो। यदि कोई एक चीज है जो स्वास्थ्य और स्फूर्ति का सुझाव देती है तो वह है सकारात्मक ऊर्जा। इसे कई तरीके से बताया जाता है। आप इसको व्यक्त कर सकते हैं आपके आने का अंदाज, बैठने का अंदाज, दूसरों की बात पर ध्यान देने का अंदाज, आपका नजरिया, आप चेहरे पर क्या हाव भाव लेकर आ रहे हैं, आपकी आंखों का संपर्क कैसा है। आपको कभी भी यह नहीं भूलना है आप जिन लोगों से मिलते हैं वे हर मोमेंट पर आपको इवैल्यूएट करते हैं। हमारे दिमाग में आने वाले विचार कहीं ना कहीं शक्तिशाली होते हैं। वो सामने वाले से मिले बिना ही उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर अंदेशा देते हैं। बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स होते हैं। जेस्चर्स मीन्स हमारे शारीरिक हाव भाव, हमारे हाथ हिलाने का ढंग, मुस्कुराने का ढंग, देखने का ढंग, इन सबको जेस्चर्स कहते हैं। क्योंकि हम आवाज से नहीं अपने जेस्चर्स से बात कर रहे हैं। कई लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने हुलिये से, यानी कि जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, वो जैसा दिख रहे हैं, उससे ऐसे संकेत भेजते हैं जिसके कारण बात करने से पहले ही सामने वाले उनके बारे में गलत राय बना लेते हैं। हाँ, हर कोई बुक का इवैल्यूएशन उसके कवर से ही करता है। रेस्टोरेंट का मूल्यांकन मेन्यू में दिए गए फोटो से करता है। पूरे शहर या कल्चर का मूल्यांकन उस पहले व्यक्ति से करता है जब वो उस शहर में पहुंचता है। लेकिन आप इस इवैल्यूएशन की दौड़ में जीतने का तरीका सीख सकते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उनको फील करवा सकते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं या नहीं। अगर स्टेशन पे है तो ट्रेन के बारे में पूछ सकते हैं। दवा की दुकान में है तो सिर दर्द की गोली के बारे में पूछ सकते हैं। ये सभी सवाल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेफ हैं। हम किसी अलग जगह पर अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं तो लोग हमें अजीब समझते हैं। किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले अपने हुलिये को सावधानी से तैयार करें ताकि आप ईमानदार और अच्छे नजर आएं। आपका हुलिया भी आपके पक्ष या विपक्ष में काम करता है। हर मुलाकात के समय
खुद से ग्रेट कहें और मुस्कुराएं। करीब पहुंचते ही लोगों की आंखों के रंग पर ध्यान दें। सामने वाले व्यक्ति के बिल्कुल सामने खड़े होकर बात करें ताकि आपका हार्ट खुला हुआ नजर आए। अपने हाथों को फ्री रखें और छोटी मोटी मूवमेंट करें, इससे लोगों को सेफ महसूस होता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, माफ कीजिए क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। इससे सामने वाला व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है। अपने बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाइए। आप अपने दिमाग में सोचिए आपने अपने पसंद के महान लोगों के बारे में जैसी भी छवि अपने दिमाग में बना रखी है। यदि आप उन्हें कहीं मिलते हैं और उनको देखते हैं और अगर वे व्यक्ति आपकी छवि के अकॉर्डिंग खरे नहीं उतरते तो आपको कैसा लगता है? आपको निराशा महसूस होती है। और दूसरी ओर अगर वे आपकी छवि पर खरे उतर जाएं तो आपको और भी ज्यादा उन पर विश्वास हो जाता है। हम खुद को या दूसरों को रिएक्शन देने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी कुछ चीजों को सुधार करके लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। किसी भी मुलाकात के पहले 90 सेकंड में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि हम सामने वाले व्यक्ति के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो जाते हैं। यह दूसरे की बाउंड्री में घुसपैठ करना जैसा है। सामने वाले से एक उचित दूरी बनाकर खड़ा होना चाहिए। इतना दूर भी नहीं कि आपसे बात न हो पाए और इतना पास भी नहीं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करे। लोगों के स्थान का सम्मान करें, क्योंकि हम सब यह जानते हैं जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमें सेफ महसूस होता है। जितना ही ज्यादा वह व्यक्ति पास आता है हमें अलग फील होने लगता है। इस प्रकार आप इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अपनाकर सामने वाले के सामने अपनी एक बैलेंस्ड इमेज प्रेजेंट कर सकते हैं। नजरिए, बॉडी लैंग्वेज और कंट्रोल पर काम करें। पिछले साल मैं एक थकाने वाली यात्रा पर गया। मैंने लगभग 30 शहर घूमे। एक दोपहर में ऐसे शहर में पहुंचा जहां मैं पहले कभी नहीं गया। क्वेश्चन पूछने के लिए मैं सूचना डेस्क पर रुका। मेरे सवाल पर सामने से हुंकार और सही दिशा में उठी अंगुली का रिएक्शन मिला। आंखों का कोई संपर्क नहीं, एटिकेट्स नहीं। एक मशहूर शहर का इतना बेकार इम्पैक्ट। आपके एक भी शब्द कहने से पहले ही नजरिया उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जो आपके बिहेव को देखते हैं। हंसना रोना एक कम्युनिकेबल डिजीज की तरह होता है, उसी तरह नजरिया भी ऐसा ही होता है। किसी के देखने भर से ही हमारा दिल दुखी हो उठता है और किसी के देखने भर से ही खुश भी होता है। आपका नजरिया यानी एटीट्यूड वो पहली चीज है जिस पर आमने सामने के डिस्कशन में लोग ध्यान देते हैं। जिस तरह से आप सामने वाले के रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह अपने नजरिए को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके नजरिए को कंट्रोल करने की है बॉडी लैंग्वेज और कॉन्ग्रुएंस यानी कि सामंजस्य। आपका मस्तिष्क और आपका शरीर एक ही मशीनरी के दो पार्ट्स हैं। एक को बदलोगे दूसरा भी बदलेगा। आप अपनी जीभ बाहर निकालें और अपने हाथ सिर के बगल में रखें और उंगलियां हिलाकर ऐसी हरकतें करें जो बच्चे हैं। इस एक्शन के साथ आप दुखी महसूस ही नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग आपस में जुड़ा हुआ है। कुछ अच्छा नजरिया जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, जैसे कि वेलकमिंग एटीट्यूड, एक्साइटेड फील करना, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, हैप्पीनेस, कंफर्टेबल, और ऐसा नजरिया जो आपको अवॉइड करना चाहिए, नाराज, डिसरिस्पेक्टफुल, निराशावादी, तनावपूर्ण, बदतमीज, डरा हुआ, शर्मिंदा। आप अपने नजरिए में फेरबदल कैसे कर सकते हैं? मिरर टॉक। सबसे पहले आईने के सामने खड़े होकर बात करें और जितनी भी बॉडी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं अपने नजरिए के लिए यूज करें, जैसे नाराज, साहसी, खुश, विनम्र और शांत। इन पांचों इमोशंस के साथ एक सेंटेंस बोलिए, आप मुझे पगला देते हैं। नाराज होने पर, साहसी होने पर, खुश, विनम्र और शांत होने पर आपके सेंटेंस का बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। और उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज पर जरा ध्यान दें। दूसरा है बॉडी टॉक। इन्हीं पांच इमोशंस के अकॉर्डिंग आप अपनी वॉक करें और वॉक करने के बाद देखिए गुस्से वाला व्यक्ति कैसे जाता है और एक खुश और शांत व्यक्ति कैसे चलता है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा अंतर महसूस करेंगे। अगर आप खुश नहीं कर सकते तो आप लीडर नहीं बन सकते। तीन बहुत ज्यादा उपयोगी एटीट्यूड जो सभी सफल लीडर्स में होते हैं वो है एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और हम्बलनेस। उत्साही बने। एक्साइटमेंट चुंबक की तरह होता है, दूसरे लोगों को भी एक्साइटेड कर सकता है, दूसरे लोगों को भी खुश होने का नजरिया देता है। जिज्ञासु बना रहे। हमेशा जानने की इच्छा रखे। अपने आसपास की चीजों को जानने के बारे में इंटरेस्ट दिखाएं। हम्बल बने। सफल लोगों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनमें अहम तो होता है लेकिन वो इसको हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। दूसरों को वो चेहरा जो दिखाते हैं उस चेहरे से हम्बलनेस नजर आती है। आप जिस भी महान लीडर को पसंद करते हैं एक बार उनकी पर्सनालिटी के बारे में सोचें। आपको ये तीनों फीचर्स उनमें नजर आएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, वो खुली है या बंद है,
वो ओपन है या रिजर्व्ड है। खुली बॉडी लैंग्वेज यह दिखाती है कि आप दोस्तों की तरह बात कर रही हैं। आपको हर मुलाकात के पहले कुछ पलों में खुद को संसार के प्रति ओपन करना होता है। जब आप वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ बात करते हैं तो आपका शरीर भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है और सामने वाले लोग इन जेस्चर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ यदि आपके पैर पीछे की तरफ हैं और आपका सीना बंद है, आपके हाथ पैर एक दूसरे को जकड़ते हुए महसूस हो रहे हैं, आप आंखें नहीं मिला पा रही हैं, तो यह दिखा रहा है कि आप एक रिजर्व्ड पर्सन हैं और लोग आपसे बात करने में कतराएंगे। आवाज का तालमेल करें। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की नकल करने से और साथ साथ विश्वास दिलाने की योग्यता से भारी फर्क पड़ता है। अब आवाज की तरफ भी ध्यान दें। सामने वाले की आवाज की नकल करने से आपका एक तालमेल बनता है। सीधी भाषा में कहें, किसी तेज बात करने वाले से धीरे बात करेंगे तो वो परेशान होगा, किसी धीरे बात करने वाले से तेज तेज बोलेंगे तो वो भी इरिटेट होगा। आपको यह देखना है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उसकी आवाज का लहजा क्या है। जब आप उसी लहजे में बात करते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ कोऑर्डिनेट करने लगता है। इसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक दिन में आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उन्हीं की आवाज में और उन्हीं के लहजे में बात करने की कोशिश करें। इसका आप मजा उठाएं। धीरे धीरे आपको यह टेक्निक समझ में आने लगेगी। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराहट, आंखों का और अपनी आवाज का तालमेल बिठा लेते हैं तो आप जो भी बात कहते हैं सामने वाला उस पर विश्वास करता है, क्योंकि हर तरफ से उसको यह बात सच नजर आ रही होती है। अगर आप किसी को कहते हैं मेरा दिन बेहतरीन गुजर रहा है और आपने ये बहुत ही दुखी आवाज में कहा और आपने कंधे दबाए हुए हैं, हाथ आपके एक दूसरे को जकड़ रही हैं, तो सामने वाला आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप खुशी से मुस्कुराकर, आंखें मिलाकर, ओपन बॉडी के साथ यह बात कहेंगे तो सामने वाला इस बात को मान लेगा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है एक दूसरे की बातों पर रिस्पॉन्स करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी दीवार से बात करना पसंद नहीं करता। लोगों की बातों पर रिएक्शन दें। जब आप दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो फीडबैक आपके रिलेशंस की क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इमेजिन करें, आप अकेले टेनिस खेल रहे हैं और कोई बॉल वापस नहीं आ रही है। आप बहुत उदास हो जाएंगे और आपको खेलने में मजा नहीं आएगा। वहीं अगर आप किसी व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं तो बार बार बॉल के आने जाने से खेल में रुचि बनी रहती है। जो लोग बात करते हुए रिएक्शंस नहीं देते, फीडबैक नहीं देते, वो बड़े उबाऊ लगते हैं। आगे की ओर झुकें, अपनी सीट के कोने पर बैठें, मुस्कुराएं, त्योरी चढ़ाएं, कंधे उचकाएं, थोड़े हाथों के जेस्चर्स दें, सिर हिलाएं, हाँ हूँ इस तरह की आवाज भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हुए इन सभी फीडबैक को किसी न किसी मूवमेंट पर देने की कोशिश करें और ध्यान दें उस व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके में और भी इंटरेस्ट आने लगा है। वहीं एक ऐसी बातचीत में शामिल हो जहां आप कोई भी रिएक्शन ना दें, सामने वाला धीरे धीरे उस बातचीत को करना बंद कर देगा। एक बार इसको जरूर आजमाएं। माइंड की भाषा बोलें। हमारा माइंड केवल सकारात्मक चीजें ही प्रोसेस कर सकता है। मैंने एक बार हवाई यात्रा की और विमान के कैप्टन ने कहा, सज्जनों मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, हमारे विमान में आपको देखकर अच्छा लगा। हम रास्ते में हैं तो मैंने सोचा आपको बता दूं, हम किसी बुरे मौसम की उम्मीद नहीं कर रहे, हमें कोई झटके नहीं लगेंगे और हर चीज अगर योजना के मुताबिक हुई तो समय पर लंदन पहुंचने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अचानक से हम सभी को स्ट्रेस आने लगा। उस दिन समय अच्छा गुजर रहा था, परंतु जैसे ही ये सब बातें सुनी डर लगने लगा। कैप्टन यात्रियों के साथ रिलेशन बनाने में नाकामयाब रहा, क्योंकि उसने बातों को पॉजिटिव तरीके से नहीं कहा और हमारे मन में नकारात्मकता के बीज बो दिए। जो भी वर्ड्स आप चूज करते हैं उनमें सबसे पहले संदेशों के बारे में जागरूक बने। कोई दिक्कत नहीं, इसके बजाय कहें मुझे खुशी है या आपका स्वागत है। दरअसल हम थैंक यू कहने पर नो प्रॉब्लम का आंसर देते हैं। हम इस आंसर को बदल दें तो सामने वाले को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव फीडबैक दिया जा सकता है। अगर हम किसी को कहते हैं या मत करो तो हमारे दिमाग में मत या नहीं इसका कोई पिक्चर नहीं बनता, बल्कि पिक्चर बनता है उसी काम को करने का। अगर हम किसी को कहते हैं कमरा गंदा मत करो तो पहली इमेज आएगी गंदे कमरे की, ना कि साफ कमरे की। इससे बेहतर होगा यह कहना कि आप अपने कमरे को साफ रखें। हम सभी अपनी सारी सेंसेस का यूज करते हैं। हर व्यक्ति में कुछ सेंसेस ज्यादा मात्रा में यूज करने की क्षमता होती है और कुछ अन्य इंद्रियां कम। कुछ लोग देखकर चीजों को ज्यादा समझते हैं, कुछ शारीरिक हाव भाव से और कुछ लोग सुनकर। बेहतर रूप से बात करने का सबसे असरदार तरीका है आप अपने बात को उस व्यक्ति
व्यक्ति के अकॉर्डिंग करें जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। यदि वह व्यक्ति चित्रों में बात करता है तो उनसे उसी भाषा में बात करें। यानी कि कुछ लोग इस तरह बात करते हैं, चीजें कैसी दिखती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो चीजों को देखने के नजरिए से बात करते हैं। अगर वे सुनी हुई बातों पर सुनने पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आप उन्हें इसी तरह फील कराएं कि ये चीज सुनने पर कैसी लगेगी। मान लीजिए कोई ट्रैवल एजेंट है और कोई व्यक्ति उनकी दुकान पर कहीं आने के लिए जाना चाहता है। हमें यह पता लग जाए कि वो व्यक्ति अपने शारीरिक हाव भाव का ज्यादा यूज करता है, तो आप कह सकते हैं आप किसी ऐसी जगह के बारे में कैसा महसूस करेंगे जहां मिट्टी नर्म हो, पानी गर्म हो और बिस्तर कंफर्टेबल हो। अगर वह व्यक्ति सुनकर ज्यादा ध्यान लगाता है तो हम उसको बोल सकते हैं, आपको पक्षियों की आवाज और समुद्र की आवाज कैसी लगती है। अगर वह व्यक्ति चित्रों में बात करता है तो हम उसको बता सकते हैं कि आप सोचिए एक सुंदर सा शहर जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है, और आप एक जगह पर हर तरह के तनाव से दूर आराम कर रहे हैं। आप लोगों के इस नजरिए को समझकर उनसे उसी भाषा में बात कर सकते हैं। इस प्रकार आप सामने वाले से जुड़ने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी इस टेक्निक का यूज करके और भी बेटर रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। पार्ट 3, पर्सनालिटी के साथ जुड़ना। एक बार जब आप किसी व्यक्ति की फाउंडेशनल पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाते हैं और वे आपके साथ इतना कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि वे आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो अब वे दूसरी स्टेज पर आते हैं, अपने संसार को उनके संसार के साथ जोड़ना। इसे हासिल करने के लिए आपको 3 चीजें जानने की जरूरत है। पर्सनालिटी कैसे जुड़ती है और रिएक्शंस होते हैं, आपके बिजनेस की सच्ची प्रकृति और आप इसमें क्या भूमिका निभाते हैं, और खुद को इस तरह कैसे तैयार किया जाए ताकि आपके व्यक्तित्व और आपकी क्षमताएं बाहरी संसार में सबसे अच्छी तरह दिखें। अपनी पर्सनालिटी को नरिश करें। पूरा कारोबार ही अच्छे विचार बाजार में उतारने के बारे में है। आप एक अच्छा विचार लेते हैं, इसे एक बड़े विचार में बदलते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। 1762 में अर्ल ऑफ सैंडविच जॉन मॉन्टेग्यू के मन में एक विचार आया। उन्हें जुए की लत्ती और उठना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपने नौकर से कहा, ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में मीट रखकर ले आओ। इससे सैंडविच का जन्म हुआ। हेनरी हेंस के मन में एक विचार आया। उन्होंने टोमेटो केचप को एक बोतल में बंद कर दिया। लीवाई स्ट्रेस के पास एक अच्छा विचार था। उन्होंने टेंट के कपड़े से जीन्स बना दी। बिल गेट्स के पास एक अच्छा विचार था, हर डेस्क पर एक कंप्यूटर। इन लोगों की बदौलत कितने सारे लोगों को जॉब मिली और उनके मालिकों की भारी कमाई हुई है। बिजनेस मॉडल 4 तरीकों से काम करता है, सपने देखना, एनालिसिस करना, दूसरे को राजी करना और कंट्रोल करना। इसी प्रकार हायर करने वाले लोगों को 4 तरह की पर्सनालिटीज की तलाश रहती है। सपने देखने वाले, जो विचार सोचे, एनालिसिस करने वाले, जो यह डिसाइड करें कि विचार काम करने वाला हो, राजी करने वाले, जो औरों को विचारों से एक्सेप्ट करवा दें, और कंट्रोल करने वाले, जो यह देखें कि चीजें पूरी हो गई हैं। ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन में इनमें से कुछ या सभी गुण होते हैं, और कुछ लोगों को अपने साथ एक बिजनेस पार्टनर की तलाश होती है जिनमें वो गुण हो जो उनमें नहीं है। जब पर्सनालिटीज टकराती हैं तो क्या होता है? अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिनसे आपकी नहीं बन, और देखें उनकी पर्सनालिटी किस तरह की है और आपकी किस तरह की है। आप यह पता लगा सकते हैं कि उनकी और आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऑपोजिट चीजें हैं। अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि ऑपोजिट चीजें क्या हैं, तो उनको ठीक करके आप उनके साथ अपनी पर्सनालिटी का तालमेल बिठा सकते हैं। हर शक्ति में कमजोरी भी होती है। कई बार जो चीज हमें ऊपर ले जाती है वो हमें नीचे भी ले आती है। ये सही बात है कि कोई भी आइडल नहीं होता। यह ध्यान रखें कि जो पर्सनालिटी आपकी है उससे दूसरों को हेल्प मिल रही है, वो दूसरों को नुकसान नहीं दे रही। जैसे अगर आप कंट्रोलर टाइप के हैं तो आप देखिए कहीं आप लोगों को आक्रामक तो नहीं दिखते। विश्लेषण करने वाले लोग कई बार रूखी या श्रेष्ठ तो नजर नहीं आते। राजी करने वालों की मुद्राएं क्या भड़कीली तो नहीं लगती। सपने देखने वाले कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। इसलिए अपनी पर्सनालिटी के इन एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने काम की नेचर को जाने। आपको चाहे कुछ भी सिखाया गया हो, लेकिन यह आपको जरूर पता होना चाहिए, पैसा ही वो चीज नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता है या आप किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम सभी को पैसे से खरीदी जा सकने वाली आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है, लेकिन ऑफिस में इससे परे जो ज्यादातर लोगों को प्रेरित करता है वह उस काम को पाने का अवसर, जिसे भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। ब्रिलियंट कंपनीज एक मिशन स्टेटमेंट बनाती है और इसको अपने कर्मचारियों तक भी पहुंचाती है ताकि उनको पता हो कि उनको क्या करना है। जैसे मैरियट होटल का बड़ा विचार है, हम घर से दूर रह रहे लोगों को ऐसा महसूस कराएं मानो वो मित्रों के बीच में हैं। यह जबरदस्त है और इसे याद रखना आसान है। उस होटल में काम करने वाला हर व्यक्ति यह पूरे दिन भर सोच सकता है, क्या उन्होंने यह काम किया,
क्या उन्होंने ऐसा काम किया जिससे लोगों को यह महसूस हुआ हो कि वे अपने दोस्तों के बीच में हैं? अगर जवाब हाँ है तो कंपनी पटरी पर है, और अगर नहीं है तो यह बदलने का समय है। इस प्रकार हर कर्मचारी को अपने मिशन का एक पार्ट बना दिया जाता है। जैसे वॉलमार्ट का मिशन स्टेटमेंट है, हम आम लोगों को अमीरों जैसी चीजें खरीदने का मौका देते हैं। कोका कोला का मिशन स्टेटमेंट है, हम संसार को तरोताजा करते हैं। इस प्रकार सभी कंपनीज अपने मिशन स्टेटमेंट को रखती है ताकि वहां काम करने वाला हर कर्मचारी सुबह से लेकर रात तक इस बात को फॉलो करे कि वो अपनी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। 10 सेकंड के विज्ञापन में अपने बड़े विचार को बता दें। आपका व्यक्तिगत बड़ा विचार वह है जिसे आप खुद को बताते हैं कि आप क्या करते हैं। आपका 10 सेकंड का विज्ञापन वह है जिसमें आप दूसरों को बताते हैं कि आप क्या करते हैं। आपने टीवी पर 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। यह इतना लंबा होता है कि इसके खत्म होने से पहले आप उठकर फ्रिज तक भी जा सकते हैं, अपने बाल आईने में देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए वे कैसे फर्क डालते हैं, वे किसकी मदद करते हैं और संसार के चलने में कैसे मदद करते हैं। हम सबको यह जरूरत है कि 90 सेकंड की पहली छाप में जितना कम समय लगे उतना बेहतर है। आप अपना 10 सेकंड का एक एडवर्टाइजमेंट तैयार रखिए जो यह बताता हो आप क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं और यह उस व्यक्ति के जीवन को कैसे आसान, बेहतर और ज्यादा मजेदार बनाता है। अगर आप एक बिजनेस में हैं और अपने ग्राहकों को जो लाभ देते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। खुद से पूछें मैं क्या फर्क डालता हूँ, सूची बनाएं कि ग्राहकों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार आप अपने एडवर्टाइजमेंट को तैयार कर लें। इस 10 सेकंड के विज्ञापन का उपयोग आप किसी इंटरव्यू में, बिजनेस पार्टी में, लंच डेट पर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। यह कोई सेल्स पिच नहीं है, यह तो एक ऐसे इमेजिनेशन का प्रेजेंटेशन है जो अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है। 10 सेकंड के विज्ञापन के बेहतरीन होने की परीक्षा तब हो जाएगी जब कोई व्यक्ति उसे सुनने के बाद उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहेगा। हम में से कई लोग ये बात जानने के बाद भी कि अपने अच्छे कपड़े दूसरों पर इम्प्रेशन डालते हैं, अपने फैशन सेंस को लेकर इतने उदासीन होते हैं कि अपनी पोशाक में जब तक किसी सुधार की कोशिश नहीं करते जब तक देर नहीं हो जाती। हमारी पहली छाप पहले ही पड़ गई और ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आप कैसे दिखते हैं, कैसा काम करते हैं, इसके बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। जब लोग आपसे पहली बार मिलते हैं तो वे आपके नजरिए पर रिएक्शन करते हैं। उस संदेश का हिस्सा आपकी बेहतरीन कपड़े और शैली भी होती है। आकर्षक पोशाक पहनने से संभावित नौकरी के प्रस्तावों पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। चाहे आप किसी नए एम्प्लॉई से मिलने जा रहे हैं या किसी कमरे में जा रहे हैं या अपनी पूरी कंपनी के सामने जा रहे हैं, लोग सबसे पहले जो देखते हैं वह आपका नजरिया है। आप खुद को कैसे पेश करते हैं उसके तुरंत बाद में जो देखते हैं वह है आपकी शैली। आपको बहुत ही सस्ते या बहुत ही महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। इसके बीच की कोई कंफर्टेबल जगह ढूंढ लीजिए जो सस्ते और महंगे दोनों तरह के कपड़ों का एक इमेज दिखाता हो। आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए ताकि जो संदेश आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंकर जैसा सूट बूट पहनते हैं तो यह दिखाएगा कि आप एक रौबीले व्यक्ति हैं। लेकिन उसी सूट बूट में अगर आप थोड़ी कैजुअल चीजें ऐड कर देते हैं तो यह दिखाएगा कि आप एक मिलनसार व्यक्ति हैं। जो दिखता है क्या वो सचमुच मायने रखता है? जी हाँ, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ड्रेसिंग उन अत्यंत महत्वपूर्ण पहले 90 सेकंड में काफी बड़ी भूमिका निभाती है जब आप रिलेशन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। आप जो पद चाहते हैं उसकी पोशाक पहने, उस पद की नहीं जिस पर आप हैं। यह एक तरह से आपके विज्ञापन करने का तरीका है। और ये बात बिल्कुल सच है, चाहे आप लेखक को जानते हैं या नहीं, लेकिन किसी पुस्तक को इवैल्यूएट हम उसके कवर से ही करते हैं। उसका कवर एक इम्प्रेशन जरूर डालता है। अगर आप बहुत ज्यादा महंगे कपड़ों में अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, सस्ते और महंगे दामों के बीच के कपड़े चुने और अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी वाला ब्रीफकेस, हैंडबैग, इन चीजों को खरीदने में ध्यान लगाएं। ये चीजें भी उतना ही प्रभाव डालती है जितने की कपड़े। इसके अलावा आप जिस सबसे अच्छे हेयर ड्रेसर और शू स्टोर का खर्चा उठा सकते हैं उसे खोजें और वहाँ के कपड़े पहने। क्वालिटी पर हमेशा पैसा इन्वेस्ट करें। इससे आप ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपका पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी बॉडी फिटिंग अच्छी दिखती हो, ऐसे रंग पहने जो आपके ऊपर अच्छे लगते हों, जिससे आप फ्रेश फील करते हों। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब कोई आपसे मिलता है तो सबसे पहले उसका ध्यान आपके जूतों पर जाता है। कटे फटे पुराने जूतों को ना पहने। आप अपने आप को जितनी बेहतरीन पैकेजिंग में दिखा सकते हैं उतनी बेहतरीन पैकेजिंग में दिखाएं।
पार्ट 4 रिलेशंस बनाना। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग किसी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या पार्टी में जाते हैं और उसके बाद आपको हर जगह दिखाई देते हैं। इन लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का और नेटवर्क बनाने का एक अवसर मिल जाता है, लेकिन ये अवसर हर किसी के लिए होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए मेल जोल आसान बात होती है, लेकिन ये ऐसी योग्यता है जो आप भी सीख सकते हैं। यह तरीका 5 हिस्सों में बटा है। नंबर 1 खुलें, नंबर 2 निगाहें मिलाएं, नंबर 3 मुस्कुराएं, 4 बोलें, नंबर 5 तालमेल बनाएं। ग्रीटिंग का पहला हिस्सा अपने नजरिए और अपने शरीर को खोलना है। इसको उचित तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि आपने पहले से यह तय कर लिया हो। निगाहें मिलाएं, निगाहें मिलाने की पहल करें, तुरंत सामने वाले की आंखों के रंग पर गौर करें। मुस्कुराने से आप आत्मविश्वासी, ईमानदार और उत्साही लगते हैं। बोलें, चाहे हाय हेलो हो या नमस्ते, और अपना नाम बताएं। अगर हाथ मिलाना उचित हो तो आप यह भी कर सकते हैं। अनुकरण करें, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझें और तुरंत उसकी नकल करना शुरू कर दें। हाथ मिलाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। हाथ मिलाते समय हाथ मजबूत और सम्मानजनक होने चाहिए। यह बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं होने चाहिए। अगर आपको किसी से हाथ मिलाने के बाद ऐसा लगता है कि वह अपना हाथ किसी तौलिए से पोंछ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने हाथों के पर ध्यान देने की जरूरत है। छोटी मोटी बातचीत को जारी रखें। छोटी मोटी बातें इनफॉर्मल बातें हैं जिनमें कोई खास मुद्दा नहीं होता, लेकिन यह करते करते आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके किसी जानने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो उनका परिचय एक दूसरे से कराएं। एक दूसरे का परिचय पद के हिसाब से कराएं, जो बड़ा हो उसका पहले कराएं, और अगर पद संबंधी कोई दिक्कत ना हो, उम्र के हिसाब से वरिष्ठ व्यक्ति की पहचान पहले कराएं। अगर आप किसी कार्यक्रम में किसी को देखते हैं जिनसे आप मिलना पसंद करेंगे, तो कोशिश करें उस कार्यक्रम के होस्ट से कहें ताकि वो आपको उनसे मिलवाए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो अपना एडवर्टीजमेंट तैयार रखें और जाकर सामने वाले को अपना परिचय दें। 3 सेकंड का नियम याद रखें। अपने संकोच की वजह से लोगों से मिलने से न रुकें। 3 तक गिनें और फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दें। किसी भी मुलाकात के पहले कुछ सेकंड अपॉर्चुनिटीज से भरपूर होते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्नों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, तो सामने वाला उतना ही जवाब देगा। वहीं पर अगर आपके प्रश्न ओपन एंडेड प्रश्न होंगे जिनके काफी सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो आप लोगों की बातचीत जारी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति आपको काफी दिनों बाद मिला हो और न पहचान पाया हो, तो आप उनसे मिलकर बोल सकते हैं, हम कुछ समय पहले मिले थे, आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगा। जैसे ही आपकी बातें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होने लगती है, जो टॉपिक्स पर आप दोनों ही बात कर सकते हैं, आपकी बात आगे बढ़ने लगती है। दूसरों की बात सुने भी यदि आप सिर्फ अपनी ही बातें करते रहेंगे, तो सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्ट खो देगा। क्या आपने कभी कोई टीवी इंटरव्यू देखा है जहां इंटरव्यू लेने वाला गेस्ट से ज्यादा बोलता है? यह बोरिंग और चिढ़ाने वाला होता है। काफी हद तक हमें इंटरव्यू के रूल्स फॉलो करने चाहिए। सामने वाले से बात कराएं, शांत बने रहें, ऑब्जर्व करें, ध्यान से सुनें और फीडबैक और मोटिवेशन दें, और इंश्योर करें आप जितना बोलते हैं उससे ज्यादा सुनें। इससे दूसरों को यह फील होता है कि आप उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सुन रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने वाले की बात सुनते हुए एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस कार्ड से रिलेटेड एटिकेट्स को ध्यान से फॉलो करें। रिस्पेक्ट, बिजनेस कार्ड को लेते हुए रिस्पेक्ट दें। इसे ऐसे रिसीव करें जैसे ये गिफ्ट हो। दोनों हाथों से लें और उस पर लिखी चीज को पढ़ने में एक पल लगाएं। यदि पॉसिबल हो तो उस पर लिखी किसी चीज के बारे में ऑब्जर्व करें या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कार्ड को हमेशा अपने सामने की जेब में रखें, कभी भी उसको पीछे न रखें। जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो कुछ ऐसा करिए जिससे आप उनके दिमाग के ऊपर बने रहे। कुछ ऐसा काम करिए या बात करिए। एक व्यक्ति ने एक सेल्समैन से पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनके बिजनेस को हायर लेवल पर ले जाती है, तो उन्होंने कहा, कोई चीज नहीं, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और अपना होमवर्क करता हूँ, लेकिन एक और चीज करता हूँ और वह है कि जब लोगों को प्रोडक्ट्स भेजते हैं तो उसके साथ साथ छोटे गिफ्ट्स भी भेजते हैं जिससे वो लोग उनको याद रखते हैं, उपहार दें। परंतु यदि यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप ईमेल पर कोई वेब लिंक भेज सकते हैं या एक पत्रिका की क्लिपिंग भेज सकते हैं या कोई ग्रीटिंग भी भेज सकते हैं। आपको किसी भी काम के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। मान लीजिए आप अपने बॉस को राजी करना चाहते हैं, लेकिन वो हैरान और परेशान है, तो आपको यह करना होगा कि आप उसको उस इमोशनल स्टेट से दूसरी इमोशनल स्टेट में ले जाएं। परंतु यह अचानक से करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको शुरुआत से लेकर अंत तक भूमिका बनाते हुए इस कहानी को रोमांचक बनाना होगा। कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी। किसी भी देश को हिलाने वाले भाषण को सुने,
महान लोगों के भाषण को सुने, उनसे सुनकर यह पता लगता है कि उन्होंने किस प्रकार अपने सुनने वालों को इम्पैक्ट किया था। लोगों से नेटवर्किंग बनाए रखें, क्योंकि जॉब देने वाले लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जिनकी काफी लोगों से जान पहचान होती है। आई कोला एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। आई कोला से लोगों को एक मुश्किल से मुश्किल विचार को सरल शब्दों में याद करवाया जा सकता है। जैसे हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को बिग अली बियर करार दिया और उन्होंने घोषणा की कि वे खुद तितली की तरह उड़ेंगे और मधुमक्खी की तरह डंक मारेंगे। किसी चीज को दूसरी चीज की उपमा देने के अच्छे उदाहरण है। इससे हम चीजों को याद रख पाते हैं। जैसे एक महिला ने अपने बारे में कहा कि मैं एक तरह से रूबिक्स क्यूब जैसी हूँ। मैं कुछ लोगों के लिए पहेली हूँ, लेकिन अगर आपको तरीका मालूम है तो मुझे सुलझाना आसान है। इसके बाद एक आदमी बोला, मैं समुद्र जैसा हूँ, मैं शक्तिशाली और गहरा हूँ। इस प्रकार एक चित्र का मूल्य 1000 शब्दों के बराबर बनता है। चाहे हम किसी को अपने बारे में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ उदाहरण देकर उनको ये क्लियर हो जाता है कि हम कैसे हैं। आप अपने बारे में भी व्यक्तिगत आईकोला बना सकते हैं। कहानी बताएं। हम सभी लोगों को कहानियाँ सुनाने से प्रेम होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। कहानी कहने की एक कला होती है। जब भी आप किसी से बात करें तो बात को ऐसे बताएं कि शुरू से लेकर अंत तक रोमांच बना रहे। किसी के साथ जुड़ने में सबसे अच्छी बात है कि आप इसे जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा आसान बन जाता है। जब भी आपको लगे कि आप थोड़े स्ट्रेस में जा रहे हैं, आप अपने शरीर को हिलाएं। आप अपने हाथ पीछे की जेब में रखकर कभी भी घबराया हुआ महसूस नहीं कर सकते। हाथ पैर चौड़े खोलकर हवा में उछालते हुए घबराहट महसूस नहीं कर सकते। यदि आप मंच पर हैं तो कोई ऐसा चेहरा खोजें जो आपको जाना पहचाना लगता हो, जो सर हिला रहा हो, और देखें कि लोग आपके साथ सहमत हो रहे हैं। यह चीज आपको मोटिवेट करेगी। घबरा रहे हैं तो लंबी सांस लें। कंक्लूजन। अब आपके पास संबंध जोड़ने, ग्राहकों से मिलने और लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन फिर भी अंत में यही कहना चाहेंगे, जो भी रिलेशन आप बनाते हैं उस रिलेशन को ऐसे देखें मानो यह आपके द्वारा बनाया गया सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है। क्योंकि यह बात सच है, जब आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं तो हिट लिस्ट में रहते हैं। अवसरों के प्रति खुले रहे। आप कभी नहीं जानते कि आपका अगला महत्वपूर्ण रिलेशन कहाँ बनेगा। इस किताब से हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं उसके बारे में पता चला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।